कुछ लोग गांव में बैठे हुए थे, मैंने सोचा थोड़ा यहां से बातचीत की जाए। ये कौन सा गांव लग रहा? अटाली गांव है जी, फरीदाबाद में अटाली गांव। किन लोगों का गांव है? जाटों का है, ज्यादा जाट है और जाति भी है। ज्यादा जाट है? ज्यादा जाट है। आप? हम भी जाट है। का नाम? कमल सिंह। क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं, खेती बाड़ी करता हूँ। अरे मैं एक गांव में गया था, वो छाइसा, उस गांव में बताया कि 3-3 करोड़ रुपए एक एकड़ के दाम है। और वहाँ आपके गांव में कितना? हमारे गांव में तो आलू तो बिक्री नहीं है जी। खेती नहीं बिक रहा? खेत नहीं बिक रहे हमारे यहाँ, मतलब कोई बेच नहीं रहा? नहीं। वैसे दाम क्या? दाम क्या जी, गवर्नमेंट के तो बहुत कम है। हाईवे के पास में भी 3-3, 4-5 करोड़ के हैं। ये हाईवे अपना जो लेकर रहा है। तो आपके गांव के लोगों को कुछ मिला मुआवजा? हाँ, मुआवजा मिले हो। मोटर? हाँ, मोटर सही मिले हो जी। तो ये मैं आया ये जानने के लिए कि अब हरियाणा में चुनाव होने को है और दीपेंद्र हुड्डा एक यात्रा लेके आज से निकले है, हरियाणा मांगे हिसाब, आपको क्या लग रहा? ठीक है जी। अपना बीजेपी के सरकार के बारे में क्या ख्याल? बीजेपी तो सही कर रही है, अब तक तो सबसे ज्यादा बढ़िया कर रहा है। करो? हाँ जी, बीजेपी ने किया काम। लोग तो कहीं जाट नाराज रहे थे? नहीं नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है। बीजेपी ने जो काम किया वो हरकाई सरकार ने नहीं किया। क्या किया? विदेशन में गया है। अच्छा, विदेश वाला आप भी? डंका? हाँ जी हाँ, विदेशों में भी गया है। और ये धारा भी तोड़वाई है इससे। हाँ जी, राम मंदिर भी बनवाया है। बस बस बस, ये तीन तो। हाँ जी, ये काम किए हैं। खट्टर सरकार? किसानों को खट्टर तो वैसा ही है, खट्टर कुछ नहीं कर रहा हूँ। खट्टर कुछ नहीं कर रहे हो? खट्टर ने कुछ नहीं किया जी। और नायब सिंह? और किसानों को पैसे दे रहा है। आपको आ रहा 2000? हाँ जी, आ रहा हमारा भी। तो फिर क्यों हार गई 5 बीजेपी? हाँ जी, अब कुछ लोग ऐसे ही कट जाते हैं। अभी यही मानते हैं इन्हीं की तरह? हाँ जी बिल्कुल, एक ही बात एक बात है, बीजेपी ने जो काम किया वो किसी 70 साल में भी नहीं किया उन्होंने। मोदी जी ने जो किया? मोदी जी ने जो काम किया। और ये खट्टर जी ने जो किया? खट्टर जी ने ठीक किया, नहीं तो किसानों के लिए तो कुछ किया नहीं है किस खट्टर जी ने। खट्टर जी से हम इतने रुबू नहीं है। और नायब सिंह सैनी जो आए वो से भी हम राजी नहीं है, ठीक नहीं है। उसने भी कोई काम नहीं किया अभी तक कुछ काम नहीं किया। बता, हमारे एरिया में कुछ किया नहीं है। तो हरियाणा में जब अभी चुनाव होंगे 3 महीने बाद, आपको क्या लग रहा है? तो जी देखो, समय बताएगा किसके। ये जो सेंट्रल की जो सरकार है एमपी की, लोकसभा की, वो तो मोदी जी की उससे चलती है, नहीं तो कुछ भी नहीं। हमारे यहाँ एमपी भी ठीक नहीं है, सरकार इसकी अच्छी नहीं है बीजेपी की। हरियाणा में जो मुख्यमंत्री वो अच्छे नहीं है। तो क्या हुड्डा कैसे थे? हुड्डा ठीक है, बढ़िया, किसानों के लिए अच्छा है। हम तो किसान हैं, हमें किसान चाहिए जो किसानों की करे। तो बीजेपी की सरकार तीसरी बार आए कि नहीं आए? देखो जी, ये तो समय का पता नहीं किसके मुकद्दर में। वैसे आने तो हुड्डा जी की चाहिए। हुड्डा जी की सरकार आनी चाहिए हरियाणा में। हुड्डा जी ठीक है वैसे। यार आप दोनों ठीक करें, कभी बीजेपी? बीजेपी तो है ही है, पर लेकिन कांग्रेस में हुड्डा ही था एक बस, और आगे तो ऐसे ही है। और पार्टी से ही नफरत है पब्लिक को ज़्यादा, पार्टी के ऊपर तो बात है जी। चलिए ठीक है, अब जरा मैं दूसरी तरफ चलता हूँ। तो मैं आज फरीदाबाद के गांव कस्बों से माहौल क्या है जानने की कोशिश कर रहा हूँ, बिल्कुल आम लोगों से। एक आटा की चक्की थी, यहाँ कुछ लोग बैठे हुए थे, मैंने सोचा जरा यहीं चर्चा की शुरुआत की जाए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विक्रमजीत शर्मा जी। आपका? मेरा नाम धर्मवीर पांचाल है जी। और आपका? ब्रिजराज गौड़। आप लोग सब यहीं के रहने वाले? यहीं के रहने वाले हैं सर। अच्छा, एक बात बताइए मुझे सर कि पिछले 10 सालों में, 10 में कुछ महीने कम है, हरियाणा की बीजेपी सरकार के बारे में आपका क्या सोचना है? सर मैं तो रिटायर्ड हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट से, पोस्ट ऑफिस में काम करता था। जहाँ तक केंद्र की बात है, मोदी की, मोदी ने वहाँ काम किया खूब केंद्र में। केंद्र में तभी तो सीट कम हो गए।
हाँ केंद्र में तो उसकी पूरी आई है, लोकसभा की वहाँ यूपी में कम आई है, उनकी आपसी फूट के कारण है कैसी। दूसरा क्या, जो हमारा देहाती क्षेत्र है यहाँ के एमपी एमएलए कोई काम नहीं करते, बीजेपी वाले कोई, या बीजेपी है कांग्रेस का है, कांग्रेस के भी आए और बीजेपी के आए। पिछले 45 साल में ना कांग्रेस के ने काम किया ना बीजेपी के ने किया। अरे तो फरीदाबाद में तो बहुत काम हुआ। फरीदाबाद में मुझे क्या लेना, मेरे अटाली का देखिए ना आप, अभी बरसात हो जाएगी आपको पेंट ऊपर करनी पड़ेगी, नालियों का विकास नहीं, सड़कें टूटी हुई हैं, जाल पड़े हुए नहीं, विधायक आता है काम अधूरे छोड़ जाते हैं, हाँ हाँ मैं कोई कमी नहीं है करता कुछ है नहीं। बहुजन समाज पार्टी का विधायक रहा, भाजपा का भी रहा, कांग्रेस का भी रहा, सब एक ही तरह, जो पहले छोड़ गए एज टू एज है। अटाली गांव में कोई विकास हुआ तो बता दो। अच्छा ये भी अटाली ही आता है, अभी तो मैं थोड़ा काफी बड़ा गांव है क्या? हाँ जी काफी बड़ा गांव है। कितने वोटर है? करीब 5500 के लगभग। अच्छा ज्यादा जाट है? जाटों की बस्ती है जी, वैसे सभी जाट है। दूसरी तरफ मैं कुछ दूर जा रहा था तो आ रहा था तो देखा, लेकिन वहां से तो काफी आ गया मैं इधर। हाँ जी 1.25 किलोमीटर के दायरे में कटाली गांव। तो आपका क्या विचार है? ये विचार ये है जी, विकास नहीं है यहाँ हमारे क्षेत्र में। सरकार मोदी बढ़िया आदमी बढ़िया है, पीएम ऐसा होना चाहिए देश के लिए, लेकिन यहाँ के जो एमपी और एमएलए हैं वो बिल्कुल एकदम से घटिया क्वालिटी के हैं। कोई भी पार्टी का आ जाए कोई विकास नहीं करता, अपनी जेब भरते हैं। और हरियाणा की खट्टर सरकार जो 9.5 साल रही, उसमें वही की बात है, जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं होता। हा? जमीनी स्तर पर जो काम होना चाहिए ना वो नहीं होते। मोदी को वोट दीजिए, वो मोदी को जो 9.5 साल रही ना हरियाणा में, वो मोदी को वोट मिली है, पर्सनली यहाँ के एमपी एमएलए के नाम पे नहीं मिली। मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री भी ऐसा ही था, खट्टर को, खट्टर ने क्या किया, खट्टर को थोड़ी वोट मिली है, मोदी के नाम पे वोट मिली है, अब भी मोदी के नाम पे मिली है। अब भी जो होगा 3 महीने बाद उसमें, उसमें तो सर पता चलेगा जी क्या माहौल बनता है। लग क्या रहा? सब कुछ नहीं कह सकते, क्यों देखो जी हमारे गाँव है जाटों का और सभी तरह के लोग हैं, सभी जातियाँ हैं। अब हम कहने लगे जी बीजेपी का आएगा कांग्रेस का आएगा, ऐसा कोई माहौल स्पेशल नहीं है किसी का भी। बीजेपी से तो विधायक काफ़ी समय हो गया आया ही नहीं है। मेरे ख्याल से 20-30 साल हो गए बीजेपी का विधायक नहीं आता यहाँ से। यहाँ सीट कौन सी है? ये आज़ाद उम्मीदवार है यहाँ से। नहीं सीट पिथला? हाँ पिथला विधानसभा क्षेत्र। तो यहाँ तो इंडिपेंडेंट को आपने जिता दिया था? हाँ जी, नैनपाल रावत कई बार हार चुका था ना जी, वो इस वजह से वो जीत गया सिंपैथी में। हाँ इस बार तो नहीं आएगा। काम वाम उन्होंने किया? हाँ कुछ नहीं, जीरो है अब जा करके, छोटे मोटे काम उसने करने शुरू कर दिए, इलेक्शन का टाइम आ गया है, अन्य तो सबको पी गया जितना भी मिला है। अजय एक बात आप ये बताइए, मोटे तौर पर जी मैं हम बिल्कुल कट्टर जो